नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं विरल लहरी भुलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कक्षा सातवीं की इकाई 5 धरती की शान। शान एटले के गौरव, धरती नु गौरव। इस कविता में ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बताया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है। विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यमां भगवाने मनुष्य ने सौथी बुद्धिशाळी बतावियो छे कि बुद्धिनी साथे साथे तेनामां अलग साहस पण छे। बुद्धि अने साहसना बळना कारणे तेणे जे अशक्य काम छे तेने पण शक्य करी बताव्या छे। मनुष्य आकाश पाताळ बधे ज पोतानी सत्ता स्थापित करवामां सफल थयो छे। आ काव्यमां कविए मनुष्यनी अंदर जे अद्भुत शक्ति छुपायेली छे तेना विशे जणाव्युं छे। अब आगे देखते हैं। धरती की शान तू भारत के संतान, तेरी मुट्ठियों में बन तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते हैं, हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत महान है। आ पंक्ति में कवि कहे छे कि हे भारतना पुत्र, तू आ धरती नु गौरव छे। तारी मुट्ठी में तूफान बंद छे, तारा में तूफान ने वश करवानी पण ताकत छे कि हे मनुष्य, तू खूब महान छे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है, तू मरकर भी अमर हो सकता है, तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। आ पंक्ति में कवि कहे छे, हे मनुष्य, तू इच्छे तो पर्वतों ने तोड़ी शके छे, तू इच्छे तो नदियोंना वहेणनी दिशा पण बदली शके छे, तू इच्छे तो माटीमांथी अमृत पण काढी शके छे, तू इच्छे तो धरती ने आकाश साथे जोड़ी शके छे कि हे मनुष्य, तू मरीने पण पोताना अनोखा कार्यथी अमर थई शके छे कि तने अमरतानो वरदान मळेलो छे कि तारा आत्मामां स्वयं ईश्वर पण बिराजमान छे। अब आगे देखते हैं। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। नयनों में ज्वाल एटले के क्रोधित थाय त्यारे, भूचाल एटले के भूकंप। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, महाकाल एटले यहाँ भगवान शिव। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी एटले हिमालय पर्वत, भाल एटले कपाल। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, भ्रुकुटी एटले के नेण। नीज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, आह्वान एटले के ललकार पोकार।
इसमें कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तो क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी पौह तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। आ पंक्ति में कवि कहे छे कि हे मनुष्य, तू क्रोधे भराय तो तारी आँखों आग वरसावी शके छे, कि तारी चाल में ए शक्ति छे जे भूकंप में होय छे। तारी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठेला छे, कि हे पृथ्वीना पुत्र, तारी पासे हिमालय जेवू विशाल मगज छे। तू जो क्रोध थी तारी भ्रुकुटी तिरछी करे तो तेनी असर एज थशे कि जे शिवना तांडवना ताल में होय छे। हे मनुष्य, तू तारी शक्ति ने ओळख। तारी वाणी में युगनो ओकार छे, कि तारो जे अवाज छे ए समग्र युगनो अवाज छे। अब आगे देखते हैं, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। धीर एटले के धीरज वाळो। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। थाम ले एटले के रोकवू। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तो जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है, और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है, और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। आ पंक्ति में कवि कहे छे कि मनुष्य, तारा मां धरती जेटली धीरज छे, तारा मां अग्नि जेवी शक्ति छे, कि तू इच्छे तो काल ने पण रोकी शके छे। तू जो हिम्मत थी काम ले तो पापोना कारणे जे विनाश थाय छे एने पण अटकावी शके छे। मनुष्यने हेवान बनतो पण रोकी शके छे। तारा मां महान देवगुरु जेवी बुद्धिमता छे। तू पवननी जेम गतिशील छे, कि एटली झड़पथी तू गम्मे ते कार्य करी शके छे। तू आकाशथी पण ऊंचे पहोंचवानी शक्ति धरावे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यमां कवि एज कहेवा मांगे छे कि मनुष्यनी अंदर कंईक ने कंईक अलग अलग शक्ति छुपायेली छे। आपणे फक्त ते शक्તિને ઓળખવાની છે। બધા જ મનુષ્યમાં કંઈક ને કંઈક અલગ કળા હોય જ છે। તે કળાને આપણે વિકસાવવાની છે, તેને બહાર લાવવાની છે। આપણે હારી જઈને કે થાકી જઈને બેસી નથી રહેવાનું। આપણે કંઈક એવા કાર્ય કરવાના છે કે આપણે મરી ગયા પછી પણ લોકો આપણા કાર્યના લીધે આપણને ઓળખે, આપણને યાદ કરે। અસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અબ દેખતે હે ઇકાઈ છ, માલવજી ફોજદાર। યહ એક એકાંકી હૈ જિસમે શિવાજી ઓર માલવજી કી બહાદુરી કી બાત હૈ। ઇસ એકાંકી મે અપની માતા કે પ્રતિ માલવજી કા પ્રેમ, સ્વામી કે પ્રતિ તાનાજી કી કર્તવ્ય નિષ્ઠા, ઓર દેશ કે પ્રતિ શિવાજી કી ભક્તિ હમે પ્રભાવિત કરતી હૈ। અપની હત્યા કરને કે લીએ આયે કિશોર માલવજી કે પ્રતિ શિવાજી કી ક્ષમાશીલતા, ઉદારતા ઓર ગુણ ગ્રાહકતા ઉનકી મહાનતા દર્શાતી હૈ। અબ આગે દેખતે હૈ પાત્ર, શિવાજી, માલવજી, તાનાજી, દરબાન।
के पात्रों छे शिवाजी, मालवजी, तानाजी अने दरवान। पहला दृश्य, पहलू दृश्य। स्थान, शिवाजी का शयन कक्ष, कक्ष एटले के ओरडो अथवा रूम। के स्थल कयु छे, शिवाजी नो ओरडो। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। एक सुसज्जित खंड में ओरडा में शिवाजी एक पलंग पर सूई रहया छे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है कि सामे भवानी मातानु चित्र लटकी रह्यु छे। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। के पासेज किशोर वयनो मालवजी हाथ में उघाड़ी तलवार लईने शिवाजी नी हत्या करवा माटे तत्पर छे, तैयार छे। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आँखें मलते उठ बैठते हैं। आँखें मलते एटले के आँखों चोळता चोळता कि शिवाजी अचानक ज एक भयंकर स्वप्न जोईने आँखों चोळता जागी जाय छे। मालवजी उन पर वार करता है, वार एटले के हुमलो, कि मालवजी शिवाजी पर हुमलो करे छे। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि पाछळथी तानाजी आवीने तेनो हाथ पकड़ी ले छे। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं कि शिवाजी प्रेम भरी नजर थी तानाजी तरफ जोए छे। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? आश्चर्य एटले कि नवाई पामवी। शिवाजी कहे छे आश्चर्य साथे कि तू कोण छे बाळक? वत्स एटले बाळक। बालक, वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। बालक वीरतापूर्वक कहे छे, मारू नाम मालवजी छे। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? अपराध एटले के भूल। शिवाजी कहे छे गंभीर अवाज में कि मालवजी शू तू जाने छे कि तारे आ भूलनी शी सजा भोगवी पड़शे? मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। के मालवजी निडरताथी कहे छे कि मारे मृत्युनी सजा भोगवी पड़शे। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। कि शिवाजी कहे छे कि तारे मृत्युदंड पामता पहला तने मृत्युनी सजा आपो ए पहला तारे मने एक बात जणावी पड़शे। मालवजी वह क्या? मालवजी कहे छे ते शू? शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। के शिवाजी कहे छे तारी बातों अने रीत भात थी एवं लागे छे कि तू कोई वीर पुत्र छे। सत्यवादी हो, सत्यवादी एटले कि हमेशा साचू बोलनार, कि तू सत्यवादी छे। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, कि मने तारा पर आशा छे कि तू खोटू बोलीश नहीं। मालवजी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। मालवजी कहे छे कि जे बात सत्य छे ते हूँ जरूर कही दईश। इसमें छिपाने की क्या बात है? कि इमा छुपावानी कई जरूर नथी। शिवाजी युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? कि शू तू मने मारी ने मराठा साम्राज्यनो मालिक बनवा माटे इच्छतो हतो? मालवजी नहीं। मालवजी कहे छे ना। शिवाजी क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की चेष्टा की थी? चेष्टा एटले के प्रयत्न। शिवाजी कहे छे कि शू मैं तने कशु नुकसान पहुँचाड़वानो प्रयत्न कर्यो हतो? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? धब्बा लगाना एटले के कलंक लगाड़ू। कि शिवाजी कहे छे कि शू मैं क्यारे राष्ट्रनी प्रतिष्ठा पर कलंक लगाव्यु छे? मालवजी महाराज यह सब कुछ नहीं। मालवजी कहे छे
के महाराज एवं कशु नथी। शिवाजी फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। शिवाजी कहे छे के तो पछी तारा मन में शी बात हती। मालवजी यदि आप पूछते ही है तो सुनिए कि मालवजी कहे छे कि जो तमे पूछो छो तो तमे सांभळो। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। सिपाही एटले के सैनिक के मारा पिताजी तमारी सेना में सैनिक हता। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। न्योछावर एटले के अर्पण करवो आपी देव के तेमने देश की रक्षा माटे पोतानो जीव पण आपी दीधो। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए के आजे तेमना मर्याना 2 वर्ष थई गया। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है के आ समय घर में हूँ अने मारी माता फक्त अमे 2 छीए। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। दुभर एटले मुश्किल। आजे 3 महीना थी अमने पेट भरी शकाय एटलू अनाज मळवू पण मुश्किल थई गयू छे। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है। आ संसार में मनुष्य बधुज सहन करी शके छे परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। परंतु पेटनी भूख छे ए क्यारे सहन करी शकतो नथी। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि हूँ आवा विचार में बैठो हतो कि एक सैनिके आवीने मने कह्यू कि जो तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। जो तू शिवाजी नो वध करी दश तो हूँ तने पैसा आपीश। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। मालव जी कहे छे महाराज आ लालच में पड़ीने हूँ तमारी हत्या करवा माटे अहीं आव्यो हतो। किंतु अचानक उसी समय आपकी आँखें खुल गई। परंतु अचानक एज वखते तमारी आँखों खुली गई। शिवाजी जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। कष्ट एटले के दुख। शिवाजी कहे छे के तने आटलू दुख हतु त्यारे तू मारी पासे केम न आव्यो। मालवजी महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। आवश्यकता एटले के जरूर। मालवजी कहे छे महाराज मारा आवानी शी जरूर हती। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। मालवजी कहे छे के जे वीर सैनिके देशनी रक्षा माटे पोताना प्राण पण आपी दीधा ए परिवारना पालन पोषणनी चिंता करवी ए तमारो ज कर्तव्य हतो। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से। सराहते एटले के प्रशंसा वखाण के बाळकनी निडरतानी मनमां वखाण करता प्रशंसा करता बनावटी गुस्साथी। शिवाजी तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। शिवाजी तानाजी ने कहे छे के आ बालक ने लई जाइने कैद खाना में बंद करी दियो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा के काले एने मृत्युनी सजा आपवामां आवशे। देवजी मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हो। मालवजी कहे छे मृत्युनी सजा आपता पहला हूँ एक बातनी भिक्षा मागू छू। शिवाजी वह क्या। शिवाजी कहे छे ते शू। मालवजी मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालवजी कहे छे के हूँ मरता पहला मारी पूजनीय माताना दर्शन करवा इच्छू छू। शिवाजी यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो। शिवाजी कहे छे के जो तू तारी माताना दर्शन करीने पाछो न आवे तो। मालवजी मैं वीरपुत्र हूँ। मालवजी कहे छे हूँ एक
वीर पुत्र छू। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, क्यों खोटू बोली ने मृत्यु थी बचवा नहीं मांगतो। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा, कि हूँ प्रतिज्ञा करूँ छू कि मारी माता ना दर्शन करीने हूँ जरूर थी पाछो आवीश। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए शिवाजी बाळकनी वीरतानी मनमां प्रशंसा करता, अच्छा जाओ, भले जा, ही देखना है, ए जोवू छे। मालवजी का प्रस्थान, मालवजी जाय छे। शिवाजी ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। शिवाजी कहे छे कि अरे आ बालक में तो वीरता खूब ज भरेली छे, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है कि साथे साथे ते तेनी मातानो भक्त पण छे। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं कि आवाज बालको पोताना माता पिता की लाज राखे छे। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? राय एटले के विचार, के शिवाजी तानाजी ने पूछे छे कि तमारो शू विचार छे बाबते। तानाजी महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, मुग्ध एटले के मोहित। तानाजी शिवाजी ने कहे छे कि महाराज तमे शू कहो छो, हूँ तो आनी वीरता अने साहस पर मोहित छू। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? शिवाजी तानाजी ने कहे छे कि तमे जाणो छो हूँ आ बालकनी साथे केवो व्यवहार करीश? तानाजी नहीं महाराज। तानाजी कहे छे शिवाजी ने कि ना महाराज हूँ जानतो नथी। शिवाजी मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। शिवाजी कहे छे कि हूँ आ बाळकनी परीक्षा लीधा पछी एने मृत्युनी सजामांथी मुक्त करीश अने आपणी सेना में भर्ती करीश। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा, कसर एटले के कमी। मारो विश्वास छे कि आ बालक मातृभूमि नी सेवा में कोई कमी नहीं राखे। तानाजी घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी शिवाजी ने कहे छे कि एक खूनी पर आटली दया धन्य छे। शिवाजी तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। शिवाजी तानाजी ने कहे छे कि मारनार करता बचावनार मा वधारे शक्ति होई छे। आज तुमने हमारी जान बचाई, आजे ते मारो जीव बचाव्यो, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा, इसलिए हूँ तारो आभारी रहीश। तानाजी महाराज आप यह क्या कहते हैं? तानाजी शिवाजी ने कहे छे कि महाराज तमे आ शू कहो छो, मैं तो आपका दास हूँ, दास एटले के सेवक, के हूँ तो तमारो सेवक छू। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, के स्वामी नी रक्षा करवी ए सेवकनु कर्तव्य छे, इसमें आभारी होने की क्या बात है, के मा आभारी थवानी शी जरूर छे। शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो। शिवाजी तानाजी ने कहे छे कि तमे धन्य छो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है, कि तारा जेवा सेनापतियों पर भारत माता गर्व करे छे। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो, के सारू थोड़ो समय आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज। तानाजी शिवाजी ने प्रणाम करे छे के जेवी आज्ञा महाराज, प्रस्थान जाय छे। विद्यार्थी मित्रों दूसरा दृश्य हम अगले हफ्ते में देखेंगे। अस्तु।